हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितुस लाइफ स्टाइल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों के मौसम में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ठंडा ठंडा कुछ खास शरबत। और ये आप घर पे ही बना सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ों से जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा करेंगी और ठंडक तो पेट में पहुँचाएँगी ही। और झटपट बनने वाला शरबत है ये। गर्मियों में सभी का मन करता है कुछ ठंडा ठंडा मिले पीने के लिए जो कि फ़ायदेमंद भी हो, तो आप भी तैयार कर सकते हैं, घर पे ही ये शरबत तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी घर में ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिनसे हम ये शरबत तैयार कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये शरबत मैंने कैसे बनाया है, इसको आप कैसे घर पर तैयार कर सकते हैं और अपने मेहमानों को पिला सकते हैं ये बेहतरीन शरबत। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिरप तैयार कर रही हूँ जिसको कि आप स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई मेहमान घर पे आता है तो आपको झटपट शरबत बनाना पड़े तो इसके लिए आपको परेशान ना होना पड़े। तो हम सिरप तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी लिया है और उसमें मैंने 500 ग्राम चीनी डाली है। सिरप को हमें अच्छे से तैयार करना है। इसके लिए और क्या क्या मसाले हम इसमें मिक्स करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब तक ये पक रहा है तब तक दूसरे साइड में मैंने यहाँ पे एक पैन रखा हुआ है और इसमें मैंने जीरा और अजवाइन डाला है। 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन डाल करके हमें इसको भून लेना है। भून लेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे हमारा सिरप भी तैयार हो गया है और जीरा अजवाइन भी हमारी भून गई है। इसको ठंडा करके अब हम एक जार में इसको निकाल करके पीस लेंगे। प्लेट में पहले निकाल के ठंडा कर लेंगे हम। सिरप हमारा तैयार हो चुका है, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब जीरा और अजवाइन भी ठंडा हो गया है तो आइए इसको भी पीस लेते हैं। यहाँ पे मैं वाइट वाला वेनेगर 2 स्पून मिक्स कर रही हूँ इसमें, इससे ये लंबा रुकेगा सिरप आपका। और जो मसाला मैंने यहाँ पे तैयार किया है अजवाइन और जीरे से, उसको भी इस सिरप में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच सौंठ ली है 2 चम्मच ड्राइड जिंजर पाउडर लिया है मैंने, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट रहता है इसका जो कि काफ़ी पसंद आता है लोगों को। देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब शरबत तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे पानी ले रही हूँ। पानी आपको नॉर्मल वाटर ही लेना है। और उससे जल्दी शरबत बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो चीनी है, शुगर है, उसको मैंने पीस लिया है जो कि झटपट 5 मिनट में शरबत हमारा तैयार हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ये जो सिरप मैंने तैयार किया था, यहाँ पर मैं 2 लेमन ट्विस्ट करके इसमें मिक्स कर रही हूँ। लेमन जूस हमें इसमें मिक्स करना है। और यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, काला नमक 1 चम्मच। अब जो पानी में मैंने चीनी मिक्स की थी उसमें मैं लेमन डाल रही हूँ। मुझे 6 ग्लास अगर शरबत बनाना है तो इसके लिए 2 लेमन मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद में जो हमने सिरप तैयार किया था वो सिरप हम इसमें डाल लेंगे 3 बड़े चम्मच। और इसको बॉटल में इस तरीके से मैंने देखिए स्टोर भी कर लिया है। देखिए सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं ग्लास में आइस डाल करके शरबत को भी डालूंगी।
कई लोग अगर बहुत ठंडा पीना नहीं पसंद करते हैं तो फिर आप आइस यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी मौसम चेंज हो रहा है ज़्यादा ठंडा पीना नहीं पसंद करते हैं, तो आप नॉर्मल भी उनको सादे पानी में बना के दे सकते हो। यहाँ पे मैं चिया सीड इसमें मिक्स कर रही हूँ, जो कि गर्मियों के मौसम के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपके पेट को ठंडा रखता है वो। देखिए हमारा बहुत ही बेहतरीन शरबत यहाँ पे तैयार हो गया है, जिससे कि आपको ऐसा भी नहीं कि जो भी सामान कहीं बाहर से लाना पड़े, अजवाइन जीरा सब कुछ आपके घर में होता है, आप बना कर के रख सकते हैं। गर्मियों में ठंडा ठंडा शरबत 5 मिनट में आप जल्दी से जल्दी अपने मेहमानों को पिला सकते हैं, अपने घर में लोगों को पिला सकते हैं, बच्चों को, सभी के लिए फ़ायदेमंद है ये शरबत, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें पड़ी हैं सभी फ़ायदेमंद हैं, आपके पेट को भी ठंडा रखेंगे और आपकी सेहत को भी अच्छा रखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।